मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। सहारनपुर के गंगोह में खेत पूर्वजों के समाधि स्थल पर पूजा करने जा रहे दो सगे भाइयों की बदमाशों ने आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। डबल मर्डर की सूचना से जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस कप्तान आकाश तोमर भी वहां पहुंच गए। दोनों भाइयों के शव थोड़ी थोड़ी दूरी पर पड़े हुए थे। संभवतः एक भाई ने हमलावरों से बचकर भागने की कोशिश की थी। दोनों के ही शवों पर धारदार हथियारों के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। इस हत्या के पीछे झाड़फूंक जैसा विवाद भी माना जा रहा है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। गंगोह के मैनपुरा गांव में गुरुवार की सुबह यह वारदात हुई है। दोनों भाइयों के नाम पुन्नू व लीलू हैं। दोनों को ही गोली मारी गई है, साथ ही धारदार हथियार से भी उन्हें काटा गया है। दोनों भगत जी थे। मौके पर मौजूद SP देहात अतुल शर्मा ने यह जानकारी दी। देखिए, गंगोह थाना क्षेत्र में गाँव पड़ता है मोहनपुरा, उसी और बोगी माजरा के बीच में एक ही खेत में आज सुबह हम लोगों को सूचना मिली थी कि दो लोगों की हत्या कर दी गई है, जिस पर तत्काल सूचना पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। और इसमें हम लोगों ने यहां पर डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, और फील्ड यूनिट से यहां पर सारे एरिया का हम लोग स्वीप करवा रहे हैं। और इसमें जो भी हम लोगों को तहरीर मिलेगी घर वालों के द्वारा, उस पर हम अभियोग पंजीकृत कर आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये दोनों जो थे ये भगत थे और इसी तरह का काम किया करते थे। सुबह इनका रूटीन था कि ये यहाँ पर आकर जो इनका खेत में ये बना हुआ है उस पर ये धूप बत्ती दिया जलाने आते थे, और यहीं पर इनकी हत्या कर दी गई। बाद में जिले के कप्तान आकाश तोमर ने मीडिया को यह जानकारी दी। थाना गंगोह अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि दो लाश पड़ी हुई हैं। तो इसमें पुलिस ने मौके पर जाके जांच करी तो देखा कि दो लाश दो भाइयों की हैं। इनको गनशॉट इंजरी है और बाकी अन्य इंजरीज भी हैं। मौके पर मैंने स्वयं और बाकी जनपद के अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है। FSL की टीम और डॉग स्क्वाड और सर्विलांस के माध्यम से हम घटना का अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्लूज हम लोगों को मिले हैं इस घटना के संबंध में, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।